दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, जैसे कि श्याम, मोहन, बंसीधर, कान्हा, कृष्णा, न जाने कितने नाम हैं, लेकिन उनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? तो आइए जानते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। मित्रों, ब्रज की भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण जी के परम मित्र रहते थे, जिनका नाम था कुमन दास जी और उनके पुत्र का नाम था रघुनंदन। मित्रों, कुमन दास जी के पास प्रभु श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक मूर्ति थी, जिनकी भक्ति वो हमेशा लीन रहते थे और कभी भी प्रभु को छोड़कर नहीं जाते थे, ताकि उनकी सेवा में किसी प्रकार कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके पास भागवत कथा करने का न्योता आया, तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब लोगों ने जोर दिया तो भागवत कथा करने के लिए तैयार हो गए। अब वो जल्दी जल्दी भगवान की तैयारी कराते और कथा कहते और वापस लौट आते, ताकि भगवान की सेवा करने का नियम ना छूटे। अब कथा में ज़्यादा समय लगने लगा तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, रघुनंदन, मैंने भोग बना दिया है, तुम श्री कृष्ण जी को भोग लगाना। और ऐसा कह के रघुनंदन जी कथा सुनाने चले गए। अब रघुनंदन जी ने भोजन की थाली प्रभु के सामने रखी और आग्रह करने लगे कि प्रभु आओ, भोग लगाओ। बालपन की छवि थी, अब उन्हें ये नहीं मालूम था कि भगवान भोग कैसे लगाते हैं। अब वो तो ये सोचते थे कि जैसे हम और आप खाना खाते हैं या भोजन करते हैं, उसी तरह प्रभु भी आते होंगे और भोजन करते होंगे। बहुत देर तक वो आग्रह करते रहे, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। अब वो रोने लगे और रो रो कर पुकारने लगे, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। रात को अब कुमन दास जी अपने घर पहुँचे तो उन्होंने रघुनंदन से पूछा, बेटा तुमने भोग लगा दिया था? तो रघुनंदन ने कहा, हाँ हाँ, मैंने भोग लगा दिया था। तो कुमन दास जी ने कहा, लाओ हमें भी प्रसाद दो। तो रघुनंदन ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा खाना खा लिया, उन्होंने सोचा कि इसे भूख लगी होगी, इसे खुद खा लिया होगा, अब ये रोज का नियम हो गया। कुमन दास जी रोज़ भोजन की थाली ला के आते और रघुनंदन जी प्रभु को भोग लगाते। जब उनसे पूछा जाता कि भोग कहाँ है, तो रघुनंदन जी यही कहते कि सारा भोजन ठाकुर जी ने खा लिया है। अब कुमन दास जी को लगने लगा कि बेटा झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों, उस दिन उन्होंने लड्डू बनाए और थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि आखिर बेटा करता क्या है। रघुनंदन ने फिर से प्रभु को पुकारा और ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुमन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर प्रार्थना और विनती करने लगे। उस समय प्रभु श्री कृष्ण जी हाथ में लड्डू लिए हुए थे, तो एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू खाने ही वाले थे कि वो जड़ हो गए। उसके बाद उनकी इसी रूप की पूजा की जाने लगी और तभी से वो लड्डू गोपाल कहलाने लगे। Oh,